दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लोक न्यूसेंस के बारे में बताऊंगा कि लोक न्यूसेंस क्या है। दोस्तों आईपीसी की धारा 268 में लोक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है। दोस्तों लोक न्यूसेंस वह है जब कोई एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को हानि क्षति यह संकट पहुंचाता है। जैसे दोस्तों मानकर चलिए कोई एक व्यक्ति है अपने फायदे के लिए बीच रास्ते में गड्ढा खोद देता है जिससे निकलने वाले कई व्यक्तियों को संकट उत्पन्न हो जाता है, क्षति उत्पन्न हो जाती है और हानि उत्पन्न हो जाती है। इन चीज़ों का सामना कई व्यक्तियों को मिलकर करना पड़ता है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति जिसने गड्ढा खोदा है वह लोक न्यूसेंस का अपराधी है। दोस्तों आपने अधिकांशतः देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए बहुत तेज आवाज में डीजे बजाते हैं। उनके घर में पार्टी है या जन्मदिन है तो वह बहुत तेज आवाज में डीजे बजाते हैं जिससे उसके मोहल्ले वालों को हानि क्षति तथा बाधा उत्पन्न होती है उस गाने के बजने से। दोस्तों आप गाना बजा रहे हो, आपके यहाँ जन्मदिन है, आप अपनी खुशी के लिए बजा रहे हो लेकिन दूसरे की खुशी में आप बाधा डाल रहे हो, दूसरों को उस गाने से बाधा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार का अगर कोई आप अपराध करते हो तो वह लोक न्यूसेंस के अंतर्गत आएगा। दोस्तों और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि अपने फायदे के लिए लड़की के गले में हाथ डालकर घूमते हैं पब्लिक प्लेस पर। अगर कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए लड़की के गले में हाथ डालकर घूमता है तो यह माना जाएगा कि वह लोक न्यूसेंस का अपराधी है। दोस्तों उसे ज़रूर फायदा है लेकिन समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको इस कार्य से दोस्तों क्षति उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है तथा हानि उत्पन्न होती है। कई व्यक्तियों को आपके कार्य से अगर बाधा उत्पन्न होती है तो वह लोक न्यूसेंस के अंतर्गत आएगा आपका कार्य। दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने यहाँ बहुत तेज आवाज में डीजे बजाता है जिससे उसके मोहल्ले वालों को संकट उत्पन्न हो जाता है उसकी तेज आवाज़ से। आप डीजे बजाइए लेकिन अपनी सीमा तक बजाइए। अगर आपके डीजे बजाने से किसी अन्य व्यक्ति को हानि या संकट उत्पन्न हो रहा है तो आप लोक न्यूसेंस के अपराधी होगा। दोस्तों इस लोक न्यूसेंस में एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ये नहीं कि आपने डीजे बजाया तो किसी एक ही व्यक्ति को आपके डीजे बजाने से आपत्ति उत्पन्न हो रही है तो वह लोक न्यूसेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को बाधा क्षति या क्षोभ उत्पन्न होना चाहिए आपके कार्य से। दोस्तों यही लोक न्यूसेंस माना जाता है। और दोस्तों जो लोक न्यूसेंस का दंड बताया गया है मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस का यानी कि इस तरह का कोई अपराध करता है तो उसे किस तरह से दंडित किया जाएगा और किस धारा में दंडित किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो या यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।